हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। दोस्तों, रेलवे मंत्रालय के द्वारा ये बात कही गई थी कि अब रेगुलर मतलब हर साल वैकेंसीज आएगी और हर कैटेगरी में आएगी। और उसके बाद रेलवे बोर्ड के द्वारा टेंटेटिव कैलेंडर भी दिया गया कि आपका किस महीने में कौन सी वैकेंसीज आएगी, जैसे LP टेक्नीशियंस, उसके बाद NTPC लेवल 2 से लेवल 6 तक का, उसके बाद ग्रुप डी का वैकेंसीज, उसके बाद आपके JEE के वैकेंसीज। तो पूरे साल में इनके कैलेंडर जारी कर दिए गए हैं। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, देख लेना। तो अब बहुत सारे लड़कों का मेरे पास पर्सनली DM आया था इंस्टाग्राम पे कि भैया क्या सच में आएगी या ऐसे ही हवाबाजी है, चुनाव है तो ये है वो है। तो मैं उन सभी का डाउट्स आज क्लियर करना हूँ कि दोस्तों पहले बात सुनो, वैकेंसीज़ का कैलेंडर दिया गया इसका मतलब है कि वैकेंसीज कहीं ना कहीं आएगी, लेकिन पहले जितना नहीं आएगी। जो 2019-18 में बहुत ये लाखों और हज़ारों में आया था ना, उतना वैकेंसीज नहीं होगा, बहुत कम वैकेंसीज होगा, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि 4 साल से जो भी एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इस कंपटीशन के दौर में हैं, तो आपके साथ वो भी रेस में रहेंगे। जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो भी आपके साथ रेस में रहेंगे, और आप तैयारी कर रहे हैं आप भी उसमें रहेंगे। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं ईजी नहीं होने वाला है, टफ ही है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी। वैकेंसीज आएगी तभी फॉर्म भरूंगा, तभी पढ़ूंगा, वैकेंसीज नहीं आएगी तो छोड़ दूंगा, तैयारी करके कोई फ़ायदा नहीं है, मेहनत नहीं है, मेहनत वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो यार, तुम तैयारी करो, तुम्हारी अभी तैयारी करने की है ना, अभी बढ़िया से पढ़ो, पूरे सिलेबस को अच्छे से निपटाओ, सिलेबस को अच्छे से, पेपर को अच्छे से टैकल करने के बाद प्रीफेशियल क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, और तैयारी को इतनी बूस्ट करो कि अगर वैकेंसीज तुरंत भी आ जाए तो भी अच्छे से एग्ज़ाम को टैकल कर सको, और लेट भी आए तो भी अच्छे से एग्ज़ाम को टैकल कर सको। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना कि आप पॉइंट पॉइंट नंबर से बाहर हो जाओगे सिलेक्शन से। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई करूँगा या फिर वैकेंसीज जो है डिक्लेयर होने के बाद पढ़ाई करूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अभी आपके पास सुनहरा मौका है, जब तक आपका डेट नहीं आता वैकेंसीज़ की, वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं होता, तब तक आपके पास सुनहरा मौका है। क्योंकि पहले ये कोविड आया था तो 2-3 साल लेट हो गया एग्ज़ाम लेने में, लेकिन अब लेट नहीं होगा। अब टाइम टू टाइम 2-3 महीने के अंदर ही आपका पेपर्स हो जाएगा, तुरंत अगले प्री के बाद तुरंत 1-1.5 महीने के अंदर ही आपका मेंस निपटा दिया जाएगा, तो बहुत तेज़ी से काम होगा। अब तो इसलिए आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो ताकि सिलेक्शन लेने में आपको ईजी हो, सहलभती हो। और दूसरी बात, पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी बड़ी अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर आप LP के हैं तो LP के लिए मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था, तो आप उसमें सिलेबस देखिए अपना, और उस सिलेबस के अनुसार जो किताब आप फॉलो कर रहे हैं या फिर मैंने जो बताया है उसको अच्छे से फॉलो करिए और सिलेबस को निपटाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपके जो भी कमियाँ हैं ना वो निखर जाती है, और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, मेरे को इस टाइप का क्वेश्चन प्रॉब्लम करता था, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही मायने रखती है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप उसके बाद क्या करो, अगर आप NTPC कर रहे हो या फिर नॉन टेक्निकल जो भी है ग्रुप डी, तो उसमें साइंस के वेटेज होते हैं थोड़ा कम होते हैं, ग्रुप डी में होता है लेकिन NTPC में नहीं होता है उतना, और GK का वेटेज अच्छा खासा होता है, मैथ रीजनिंग का वेटेज अच्छा खासा होता है, तो GK तो अच्छी तरह से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप अभी मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करो, 50-100 क्वेश्चन डेली लगाओ, और GK क्या करो, लूसेंट्स जो बुक है ना वो बुक ले लो, या फिर आप कोई भी GK का बुक जो आपको कंफर्टेबल लगता हो, ऑनलाइनर नहीं कह रहा हूँ, एक डिस्क्रिप्टिव जैसा लिखा हुआ, तो सबसे बेस्ट तो लूसेंट है, आप उस बुक को ले लो, उस बुक को अच्छे से पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ो। उसके बाद क्या करो, अगर आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है तो ये किरण प्रकाशन का प्रीवियस ईयर आता है, मैं यहाँ देखो यहाँ पे, ये किरण प्रकाशन का प्रीवियस ईयर GK का है क्वेश्चन, मतलब जितने अभी रेलवे ने पूछे हैं, तो ये क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज सॉल्व करो। चैप्टर वाइज सॉल्व करने से क्या होता है, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक से कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया उसको नोट कर लो, कॉपी पे लिख लो और रिवीजन करो डेली बेसिस पे। इस तरीके से 2-3 महीने के अंदर आप GK में अच्छी पकड़ बना लोगे, और NTPC के एग्ज़ाम में GK जो होता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं आता, हल्का भी नहीं आता, बहुत मॉडरेट लेवल का आता है। क्योंकि TCS पेपर लेती आ रही थी तो SSC पैटर्न पे ही वो पेपर को बनाती है, इसलिए आप उस तरीके से तैयारी करो। मैथ रीजनिंग का बताया हूँ, डेली प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर को कंपलसरी प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से पेपर जो है अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था, उससे बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं आएगा, उस तरीके का ही पेपर आएगा। हाँ, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कोर अच्छे करेंगे, और आप सोचेंगे कि ऐसा क्वेश्चन मैं ये छोड़ दूंगा, ऐसा कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो आप अच्छे से मेहनत करो यार,
आप इंतज़ार में मत रहो कि वैकेंसीज आएगी तभी पढ़ूंगा, आप मेहनत करो, वैकेंसी आई तुरंत एग्ज़ाम दे के क्लियर करो। अब आ गई एक महीने में, अब पढ़ना शुरू करोगे टाइम ही नहीं मिलेगा तो फिर बाद में पछतावा होगा, फिर अगले साल की इंतज़ार करोगे और बेरोज़गारी का जो है चरम सीमा पे चली गई है। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आप इधर उधर की बातों में झूठ मूठ के पड़े हुए हो, तो आप थोड़ा सा भी सेंस का यूज़ करो कि मैं पढ़ के अपने सिलेबस को निपटा के प्रिपेयर रहूँगा, मॉक टेस्ट लगाता रहूँगा और उसके बाद जितने भी प्रीवियसर क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करके एक पकड़ बना लूँगा कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है रेलवे में तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं सोचना है वैकेंसी के बारे में, कितनी आ रही क्या आ रही है, तैयारी ऐसी करो कि अगर 5 वैकेंसी भी आए तो 5 में भी आपका सीट एक पक्का हो जाए, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना।